नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं मासिक राशि फल का कार्यक्रम। और मासिक राशि फल के कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि का मासिक राशि फल सितंबर 2023 की। मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने में कैसी स्थिति बनी हुई है, नवग्रहों की जो स्थिति रहेगी, संपूर्ण सितंबर के माह में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देने का कार्य करेगी, कौन सी नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, कहां आपको सतर्क सावधान रहना है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए क्या सौगात लेकर के आ रहा है, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी तारीखें शुभ होंगी, कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले। प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर राशि के जातक हैं, इस राशि फल के कार्यक्रम को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, निश्चित ही लाभप्रद कार्यक्रम आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं राशि फल का कार्यक्रम। हम शुरू करें उससे पहले हम आपको ये बता दें, ये राशि फल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। यदि आपको अपनी जन्म की राशि पता नहीं है तो आप इसको नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं मकर राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण सितंबर के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए बनी हुई। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, जो कि कुंभ राशि में वक्र गति से संचरण कर रहे हैं, दूसरे भाव में स्थित हैं। राहु और देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के अंतर्गत चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव सातवें भाव के अंतर्गत कर्क राशि में विराजमान है। सूर्यदेव और बुधदेव सिंह राशि के अंतर्गत आठवें भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव भाग्य भाव में कन्या राशि में स्थित हैं। और केतु की बात करें तो केतु तुला राशि के अंतर्गत दशम भाव कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होगा सितंबर के माह में। तो कौन से वो परिवर्तन है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति में होगा। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री होकर के संचरण करने लगेंगे। ये वक्र गति को प्राप्त कर जाएंगे, जबकि 4 सितंबर को ही शुक्रदेव मार्गी गति को प्राप्त करेंगे, वक्र से मार्गी गति की ओर चलने लगेंगे। 15 तारीख को बुधदेव भी मार्गी गति में संचरण करेंगे, आठवें भाव में स्थित होंगे, सिंह राशि में ही मार्गी होकर के संचरण करेंगे। और 17 सितंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, सूर्यदेव सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए भाग्य भाव नवें भाव में आकर के स्थित होंगे। बात हम चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह हैं। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, जन्म पत्रिका में जहां पर वो कारक होते हैं वहां पर संचरण करते हैं, तो निश्चित ही हमें सकारात्मक का परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ 6, 8, 12 इत्यादि भाव में संचरण करें तो कहीं ना कहीं हमें अनेक प्रकार की नकारात्मक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सब के जीवन में, आपके हों या हमारे हों, हम सबको ऐसे अवसर देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो सितंबर महीने में ऐसी कौन सी तारीखें आपके लिए बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ तारीखें बन रही हैं 5, 6, 10, 11, 15, 16, 24 और 25 सितंबर। ये तारीखें आपके लिए लाभप्रद तारीखें हैं, लाभ देने के कार्य आपको करेंगी। वहीं 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 29 और 30 सितंबर आपको सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। अब ये तो रही मकर राशि के जातकों की संपूर्ण सितंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच बात करते हैं सबसे पहले मकर राशि के जातकों के हेल्थ की, यानी आपके स्वास्थ्य की। तो यदि आप मकर राशि के जातक हैं, सतर्कता सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव और बुधदेव आठवें भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर बनी हुई है, तो सूर्य यहां पर शत्रु घर में अवश्य है। और बुधदेव भी जब तक वक्र गति से संचरण कर रहे हैं, निश्चित ही आपको मारक भाव का भी रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, आपको मस्तिष्क से संबंधित विकार देखने को मिल सकते हैं,
आधा सीसी का दर्द, नेत्रों से संबंधित समस्याएं, हड्डियों से संबंधित समस्याएं और त्वचा से संबंधित समस्याएं विशेष रूप से देखने को मिल सकती हैं इस सितंबर के माह में। साथ ही वाहन इत्यादि चलाते हैं तो भी आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। हालांकि सूर्यदेव यहां पर स्वराशि के अवश्य हैं लेकिन शनि से भी दृष्ट हैं तो सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना होगा। उपाय के तौर पर संपूर्ण सितंबर के माह में प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः या आदित्यंच नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरम सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यथाशक्ति जप करिएगा, निश्चित ही आपको और भी लाभ देखने को मिलेंगे। चलते हैं मकर राशि के जातकों के करियर की ओर। कार्य क्षेत्र में आपको सितंबर के माह में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो प्रिय दर्शकों, कर्म भाव जन्म पत्रिका में दसवां भाव होता है और मकर राशि के जातकों के लिए दसवें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव सातवें भाव में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। दसवें भाव में केतुदेव स्थित है। राहु और देवगुरु बृहस्पति की सातवें दृष्टि दसवें भाव पर बनी हुई है। मंगलदेव भाग्य भाव में है और अंतिम दो सप्ताह में सूर्यदेव भी भाग्य भाव में संचरण करेंगे। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सितंबर का माह बहुत सारी उम्मीदें लेकर के मकर राशि के जातकों के लिए आएगा। बहुत हद तक आपको अपने कार्य क्षेत्रों में सफलताएं भी देखने को मिलेंगी। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जो जातक व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव भी आपके ऊपर है, अंतिम चरण में साढ़े साती है तो संघर्ष और भागदौड़ का माहौल भी अवश्य रहेगा, संघर्ष की स्थिति भी अत्यधिक रहेंगी और कहीं ना कहीं वो संघर्ष आपका सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके फलस्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला है। निश्चित ही लाभप्रद स्थितियां आपके लिए बनेंगी। इस बात का जरूर आपने ध्यान रखना है, यदि आप मकर राशि के जातक हैं, कार्य क्षेत्र में आप अचानक से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, किसी भी प्रकार का हो, वो नकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, तो बहुत जल्दी निर्णय लेने से आपको अवश्य बचना है। दूसरा, आलस करने से जरूर बचिएगा। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, अपने कार्य क्षेत्रों को आप टालते हैं, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसी स्थिति आपके साथ है तो इससे भी आप निश्चित रूप से जरूर बचिएगा। तो इससे भी निश्चित रूप से आपको अवश्य बचाव करना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। वैसे मंगल और सूर्यदेव भाग्य भाव में है तो निश्चित ही आपके लिए मंगल ही मंगल करेंगे और भाग्य का सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र में व व्यवसायिक क्षेत्र में अच्छी स्थितियां बनती हुई आपके लिए नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी मंगलदेव आपके लिए बनते हैं जो कि भाग्य भाव में स्थित हैं और यहां पर कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, दूसरे भाव में शनिदेव स्थित हैं, स्वराशि के हैं लेकिन वक्र गति से संचरण कर रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति भी नहीं है, बहुत ज्यादा हानि के योग भी नहीं है। खर्चों पर अवश्य आपको नियंत्रण लगाना है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक खर्च आपका हो सकता है और इसके साथ ही भूमि भवन से संबंधित खर्चे आपके अचानक से बढ़ सकते हैं, वो किसी प्रकार के हो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खर्चों में बढ़ोतरी के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खर्च करने से जरूर बचिएगा। अनावश्यक यात्राओं को करने से, अनावश्यक वस्तुओं को यदि आप खरीद कर ले आते हैं तो ऐसे स्थितियों से आपको जरूर बचना है। सितंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रहों की शांति है तो कोई पूजन कराना चाहते हैं, जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे।